What's up, guys? Good morning. Good morning to everyone. I am Sudhir. So, today lecture, this is start current affairs. Welcome to Study Mission. I hope to all of you well. So, आइए लेक्चर में देखते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर्स देखेंगे और क्या कुछ नया सीखने को और जानने को मिलता है आज के लेक्चर से. आइए स्टार्ट करते हैं. जीवन में ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो आपकी बुराई कर रहे हैं. आप बोलेंगे कि बुराई करें, हाँ, क्योंकि जो आपकी बुराई करते हैं यानी कि जो आपके अंदर की कमियां जो निकालते हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ें सही होती है, क्योंकि आप खुद एक अपने आप से सेल्फ से आप नहीं जान पाएंगे कि हमारे अंदर कमी क्या है. इसलिए जीवन में ऐसे लोगों की आवश्यकता सख्त ज़रूर होती है. तो इन सब बातों से स्टार्ट करते हुए आज का लेक्चर चलते हैं और देखते हैं कि करंट अफेयर्स में क्या कुछ क्वेश्चन हैं आज के, उसको कवर करते हैं हम लोग. देर ना करते हुए आइए 21 फरवरी का स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जलियांवाला बाग शताब्दी, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको पता होगा यह शताब्दी इस मार्ग पर के आधारशिला रखी गई थी. तो मणिपुर, जी हाँ, यह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये शताब्दी स्मारक पार्क के आधारशिला रखे हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल कर क्या रखा है. तो अभी जो आईपीएल हुआ था, आईपीएल में पंजाब किंग्स यानी कि किंग्स 11 पंजाब का जो नाम था, या अभी आईपीएल जो होने वाले हैं आगे, उस आईपीएल में आपको देखने को मिलेगा सिर्फ पंजाब किंग्स के नाम से, तो यह आपको ध्यान देना है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जूट बीज वितरण योजना किसने शुरू की है. तो स्मृति रानी जी ने, स्मृति रानी अभी जूट बीज वितरण योजना शुरू की है. क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, काजा क्लास किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है. तो एस्टोनिया की, जी हाँ, एस्टोनिया की अभी काजा क्लास नाम की एक महिला थी जो कभी देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बनी है. तो ये पाकिस्तान बना है. अभी पाकिस्तान देश का जो T20 क्रिकेट टीम का टीम है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय मैच में भी पहली टीम बनी है जो कि 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाला है. यह क्वेश्चन नंबर सिक्स है, किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है. तो राजनाथ सिंह जी, जी हाँ, राजनाथ सिंह जी अभी हमारे गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी अभी ई छावनी पोर्टल के नाम से पोर्टल लॉन्च किए हैं. क्वेश्चन नंबर सेवन है, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश के 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे. तो रूस, जी हाँ, अभी ये रूस यानी कि विदेश सचिव हैं यह हर्षवर्धन श्रृंगला, ये रूस अभी जाएंगे 2 दिन के लिए. क्वेश्चन नंबर एट है, किस राज्य में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया है. तो महाराष्ट्र में किया गया है. क्वेश्चन नंबर नाइन है, आईएसए की विशेष सभा के लिए नए महानिदेशक कौन बने हैं. अजय माथुर, अभी अजय माथुर जी को आईएसए की विशेष सभा के लिए नए महानिदेशक बनाया गया है. क्वेश्चन नंबर टेन है, किस खेल प्राधिकरण को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी गई है. ड्रोन आप लोग समझ रहे होंगे, जो ड्रोन कैमरा होते हैं, आपके ड्रोन कैमरा उड़ते भी हैं और आपके रिकॉर्ड करते हैं सारे वीडियोज को, तो वो ड्रोन कैमरा अभी यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग में चलाने की बात की जा रही है. अभी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा यहाँ पे अनुमति दी गई है कि अभी ड्रोन उड़ाकर यानी ड्रोन कैमरे के द्वारा आपका एक लाइव स्ट्रीमिंग को रिकॉर्ड किया जाएगा खेल में. सो आई होप कि आप लोग समझ होंगे लेक्चर आज का, और आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफ़ी मूल्यवान अगर है. शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आगे और लोगों तक पहुंच सके वीडियो और लाभ मिल सके. सो सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए, ज्वाइन हो जाइए. कहीं भी ज्वाइन हो सकते हैं, आपको अलग से अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है. आप एग्जिट करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक के पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे तो ज्वाइन कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग. जय हिंद.